और कभी भी ये पाइप लगाओ जो टेफ्लॉन टेप लाजमी लगाओ, जो इनके हाथ में ये टेफ्लॉन टेप है, माजिद देख लो ये टेफ्लॉन टेप है, सही है, ये चूड़ी पे चढ़ती है, क्योंकि अगर टेफ्लॉन नहीं लगाओगे और आप लोग टाइट कर दोगे ना तो लीक चेक कर रहा होगा, और आप बोलोगे चलो थोड़ा और टाइट करता हूँ, फिर लीक कर रहा होगा, फिर आप बोलोगे थोड़ा और टाइट करता हूँ, तो ये टाइट करते करते नट तो स्लिप नहीं होगा लेकिन जो कॉलर बना हुआ है ना वो टूट जाएगा, वो फट जाएगा। तो जब कभी ऐसा काम करो तो आपको पता है ना जब लीक हो रहा है तुमने टाइट किया टेफ्लॉन टेप के बगैर, तो तुम क्या करो कि फ़ौरन गैस लॉक करो, खोलो टेफ्लॉन टेप चढ़ाओ फिर टाइट करो, यानी जब वो इतना टाइट हो चुका है तुमको पता है, यानी तुम्हें एक अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने काफ़ी हद तक उसको क्या किया टाइट कर दिया, अब मज़ीद करोगे तो कॉलर फट जाएगा और उसके अंदर प्रेशर भी होगा, अब प्रेशर भी अंदर पड़ा हुआ है तुम उसको टाइट करे जा रहे हो, जब फटेगा तो सोचो कितना पावर से फटेगा, और गैस का नुकसान अलग, और जब पाइप फटेगा तो मुंह पे लगने का ख़तरा अलग, यानी खुद भी ज़ख्मी हो सकते हो, गैस का नुकसान भी हो सकता है और टाइम अलग ज़ाया होगा, वेस्ट। ठीक है, तो एहतियात करो, टेफ्लॉन टेप का भी यूज़ करो तुम लोग। ये इसमें कनेक्शन के दौरान देखो तीन तार आ रहे हैं, हाँ तीनों देख लो, ये जो दो रंग का वायर होता है ना ये होता है इसका अर्थ, ठीक है, पीला और येलो, ठीक है, दो रंग का वायर ये अर्थ का है, यानी इसको आपको लाइन के अंदर यूज़ नहीं करना, और बाकी जो दो वायर है इसके अंदर वाइट और ब्लैक जो है ये आपकी लाइन है न्यूट्रल फेस, तो इसको आपको लाइन में कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, एल और एन, तो अर्थ को कभी भी एल में या एन में लगाना नहीं है, और जहाँ पर चार तार आ रहे होंगे तो उसमें से एक अर्थ होगा, एक एसी का सिग्नल होगा और दो न्यूट्रल फेज होंगे जहाँ पर चार तार होंगे, तो आपको ये इंडिकेट इंडोर से इंडोर पे क्या करना पड़ेगा, जॉइंट करना पड़ेगा, यानी जो इंडोर में लगा है वही और जो आउटर पे लगा है वही, सेम टू सेम आपको लगाना पड़ेगा जहाँ पर चार वायर हों, और जहाँ दो इन दोनों को न्यूट्रल फेज को आगे पीछे भी करके लगा दोगे तो कोई इशू नहीं है, चलेगा आपका एसी, ठीक है। देख इसको पर्श की ज़रूरत नहीं है, अब हम इसको सेल्फ वैक्यूम करेंगे, क्या करेंगे, सेल्फ वैक्यूम का तरीक़ेकार ये है कि इसके सक्शन पाइप को हम बंद कर देंगे, सक्शन पाइप को लगा दो और डिस्चार्ज पाइप को ओपन रखेंगे, जब ये तब होगा जब सिस्टम पूरा खाली होगा, ठीक है, तो सेल्फ वैक्यूम का तरीका ये है कि डिस्चार्ज पाइप हम लोग क्या करेंगे, खुला रखना है वो लगा देना है, फिर हम लाइन गेज कनेक्ट कर देंगे, लाइन गेज जैसे ही कनेक्ट करेंगे ना हम तो डिस्चार्ज पाइप होगा ओपन, सारी गैस निकल, हाँ तो सिलेंडर कनेक्ट होगा, तो जैसे ही डिस्चार्ज पाइप ओपन होगा हमारा सिस्टम होगा ऑन, हम जैसे ऑन करेंगे तो ये क्या करेगा, डिस्चार्ज और सक्शन शुरू कर देगा सिस्टम, यानी फेंकना और गैस को लेना, तो डिस्चार्ज पाइप के ऊपर आपको अंगूठा रखना है, जब सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और मोटा वाला पाइप लगा हुआ होगा तो डिस्चार्ज वाला पाइप इंडोर में से होता हुआ आ रहा है तो ये खींचेगा, तो जब ये खींचेगा तो आपको यहाँ पर हाथ रखना है, ताकि ये जब खींच रहा है तो ज़ाहिर है हवा भी खींचेगा, जब आपको उंगली पकड़ लेगा तो हवा भी खींचेगा, तो आपको क्या करना है, हवा का रास्ता रोक देना है, और इसको तकरीबन दो मिनट तक, एक मिनट तक आप रोक के रखें एसी चलता हो, और एक दो मिनट के बाद जब वो अच्छी तरीके से आपको लग रहा है कि अब इसमें से एयर जो होगी इंडोर में से किट में से निकल गई होगी, तो इसके बाद आपको क्या करना है कि अपने सिलेंडर में से गैस का 10 का प्रेशर ओपन करना है, सही है, फिर जैसे ही 10 का प्रेशर आप ओपन करेंगे तो गैस जाना शुरू हो जाएगी, एक जगह आपका हाथ होगा जहाँ से एयर जा नहीं रही है, पकड़ के रखा है आपने, तो कंप्रेसर जब गैस को सख्त करेगा तो डिस्चार्ज लाइन से बाहर करेगा, यानी कंडेंसर पे जो एयर होगी तो वो क्या हो जाएगी, गैस की सूरत में अब एयर नहीं होगी, अब अंदर क्या होगा, गैस होगी, बात समझ रहे हो, फिर अंदर गैस होगी, फिर जैसे ही गैस जा रही होगी सिस्टम हमारा चल रहा होगा तो हम क्या करेंगे, वहाँ से अंगूठा है ना हमारा अंगूठा, वहाँ आके डिस्चार्ज के करीब ला के हटाएंगे, ताकि जो अंदर भी जाए तो क्या जाए, गैस जाए, एयर ना जाए, अंगूठा उसके करीब ला के हटाना, तो अंदर भी जाएगा तो गैस जाएगा, यानी कि एयर हमको चाहिए ही नहीं, दैट्स मीन सेल्फ वैक्यूम। अगर वैक्यूम पंप आपके पास है या वैक्यूम मशीन आपके पास है तो वो लगा के आप पूरे को दोनों को टाइट वाइट करके वैक्यूम करके आप अपना काम चला सकते हो। इन केस एमरजेंसी में अगर आपके पास ये दोनों सहूलत नहीं है तो फिर सेल्फ वैक्यूम का ये तरीक़ेकार है, ठीक है। अभी सिस्टम जब चलेगा तो मैं आपको खुद करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं, और फिर आपको आइडिया हो जाएगा, फिर जहाँ जहाँ आपको पता है कि यार सर ने भेजा है यहाँ पर और यहाँ पर हमको एयर यूनिट पूरा खाली है, इसको सेल्फ वैक्यूम करके गैस डाले,
तो आप फिर इसी तरीके से करना जैसा आपको नज़र आएगा। अब राइट सही है, हो गया रेडी, सेक्शन टाइट किया, पाना लो टाइट करो, बात समझ आ रही है, प्रॉब्लम तो नहीं हो रही कुछ भी। दो पानों से टाइट करो दोनों को। एक पाने को नीचे की तरफ जोड़ दो, एक को ऊपर जोड़ दो, तब ये टाइट होता है। देख रहा, दूसरा हाथ से पकड़ लिया उसने, अब वो हिल नहीं रहा, टाइट हो गया। सही है, नीचे आ जाओ, कनेक्शन भी हो गया। यस, सिस्टम ऑन करवा दो, एसी खोला ऑन करो। सर इसका एनल की चेक कर लो जल्दी से, खुली है कि नहीं। खोला तो था, छेड़ा तो था नहीं हमने, पंप डाउन किया था इसका तो वैसी होगी ना बेटा। आ जाएंगे, आ जाएंगे, इधर उधर छोड़ दे। हाँ एक्सक्यूज़, ले मैं चल रहा हूँ, अब मेरी भी है, यहाँ से मैं आ रहा हूँ। एसी ऑन कर दो, ये देखो आप लोगों ने क्या गलती की, आप लोगों ने वायरिंग कवर नहीं लगाया, एक चार उनको नट ढूंढ लो, तो पेच कर दो, नजर आ रही है। ये डिस्चार्ज पाइप हमने ओपन करके रखा है और सेक्शन पाइप जो है हमने लगा दिया, ठीक है। अब जैसे ही हमारा सिस्टम एक्टिव होता है तो ये डिस्चार्ज पाइप से सक्शन शुरू कर देगा, तो किट में से और इंडोर में से इन दोनों जगहों से क्या होगा, जितना एयर अगर गया होगा तो वो एयर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और फिर जब हम उसमें गैस फिल करेंगे तो फिर एयर की जगह गैस अपनी जगह ले लेगी और फिर सिर्फ और सिर्फ गैस इस सिस्टम के अंदर होगी। तो ये कहते हैं सेल्फ वैक्यूम। एमरजेंसी में जब आपके पास वैक्यूम पंप नहीं है या वैक्यूम मशीन नहीं है तो आप लोग इस तरीके से सेल्फ वैक्यूम कर सकते हैं। लाइन गेज लगाओ, इसको बांध दो, इसको ढूंढा नो सर नहीं, छोड़ दो, अब ये सिस्टम देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ से वैक्यूम कर रहा है, ठीक है, और ये डिस्चार्ज हमने ओपन रखा हुआ है और वैक्यूम कर रहा है। अब इसको अपन सेल्फ वैक्यूम करके आपको दिखा देंगे कैसे हो रहा है। देखो अगर अंगूठा है ना डिस्चार्ज की लाइन, तो अंगूठा दबा देंगे आप, जैसे ही अंगूठा दबाओगे ये दिखाओ तो कांटा नीचे आना शुरू हो जाएगा। देखो जैसे ही अंगूठा लगाओगे तो कांटा नीचे आना शुरू हो जाएगा, देख रहे हो। अब किट में से और इंडोर में से जो भी एयर होगी वो क्या हो जाएगी, सबकी सब सब को बाहर, ये यहाँ से सब बाहर आ रही है, सही है, बाहर आ रही है एयर पूरी प्रॉपर तरीके से बाहर आ जाएगी। इसके बाद हम गैस जब फिल करेंगे तो सिर्फ गैस रह जाएगी लाइनों में, फिर हम इसको डिस्चार्ज पाइप को लगा देंगे। ये देख लो माजिद, ये पूरा क्लियर आ गया, जूम नहीं कर, जूम नहीं कर, पिक्सल पड़ जाएंगे। सही है, गैस खोलो, 10 के प्रेशर पे कांटा रखो। अब इसको गैस खोल के 10 के प्रेशर पे कांटा रखना है इसका, नजर आ रहा है गैस, 10 के प्रेशर पे रखना है, बंद करो उसको, 10 के प्रेशर पे रखो खाली, और बस 10 के प्रेशर पे कांटा रखना है, गैस इसमें जा रही है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ से डिस्चार्ज का जो वाल है यहाँ से आ रही है सिर्फ और सिर्फ गैस, और अपने हाथ को यहीं पे करीब करके ले जाना है, अंगूठा यहाँ पे रख के हटाना है, सही है। इसके ऊपर चढ़ाई भी लगेगी,
उसको पाना। जब कभी सेल्फ वैक्यूम करोगे तो गैस जा रही होगी, सिस्टम को ऑन रखना है, उसके बाद ही देखें आपका पूरा काम होगा। 10 के प्रेशर पे हमने होल्ड किया हुआ था, जा ही रहा था। इस दौरान आपको क्या करना है, डिस्चार्ज की लाइन को कनेक्ट कर देना है। इस दौरान आपको ये करना है, जैसे ही ये कनेक्ट कर दोगे तो आपको क्या होगा कि आप गैस जा रही है ना, हमने सिस्टम अभी तक बंद नहीं किया, सिस्टम हमारा चल रहा है, जो सक्शन और डिस्चार्ज का जो फेंकना और खींचने वाला जो मामला है ना वो हो ही रहा है। लेकिन अब जितना एयर था ना लाइनों के अंदर, तो वो सारा का सारा एयर क्या हो गया, सब आ गया बाहर। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ गैस डाल रहे हैं इसके अंदर। जैसे जैसे प्रेशर बनता रहेगा कांटा ऊपर जाता रहेगा। अब 30 पे ठहरा हुआ है, 30 से ज़्यादा नहीं करो। जैसे जैसे 30 से ज़्यादा का प्रेशर बन जाएगा तो कांटा अपने आप ऊपर जाता रहेगा। तो आपको नोटिस करना है कि 50 से अबव जाने नहीं देना है। अगर 50 से अबव जाएगा और गैस ओवर हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम आपके लिए बनेगा, हो सकता है चोक हो जाए, हो सकता है कूलिंग छोड़ दे, यानी कुछ भी हो सकता है। तो आपको 50 का प्रेशर बनाना है, कूलिंग चेक करनी है, इसके बाद दूसरा स्टेप लेना है। तो गैस चार्जिंग का यही तरीका है एयर कंडीशन के अंदर, और यही चीज़ें होती है, नटों का ये ख्याल करना पड़ता है, वाल का ये ख्याल करना पड़ता है। अच्छा, गैस जब आधी हो जाएगी ना, जैसे ही आधी गैस हो जाएगी तो देखो पाइप पे आइस आ जाएगी, देख रहे हो, यानी कि सिस्टम के अंदर आधी गैस पहुँच गई, आधी रह गई, तो डिस्चार्ज लाइन में क्या हो जाएगा, आइस आ जाएगी। कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि हम जब गैस डाल रहे होते हैं तो मोटे पाइप पे फ़ौरन आइस आ जाती है, कभी कभी ये भी देखा गया। तो उसका मतलब ये नहीं कि गैस नहीं जा रही, उसका मतलब ये होता है कि अंदर से या तो ब्लोअर आपका बंद होगा या ब्लोअर का नट आपने नहीं लगाया होगा, ठीक है, या लाइन हो सकता है पाइप आपका कहीं से पिचका हुआ हो, तो ये क्या करेगा, सक्शन के पाइप पर फ़ौरन आइस आ जाएगी, फ़ौरन। आपको पता है गैस तो इतनी गई नहीं है और फिर भी आइस आ गई, तो फिर आपको ये चीज़ें जो हैं चेक करनी है, ब्लोअर चेक करना है, आपकी ब्लोअर की मोटर चेक करना है, ब्लोअर का जैक चेक करना है, पंखे की स्पीड चेक करनी है, यहाँ पर पाइपों को पूरा चेक करना है कहीं बैंड तो नहीं है, ये सब चीज़ें आपको नोटिस करनी है। अगर एक चीज़ को भी आप छोड़ देते हो तो प्रॉब्लम आपके लिए बनेगा, क्योंकि आपने प्रॉपर चेक नहीं किया। समझ आ रही है बात? अब ये सिस्टम देखें, आइस आ रही है, जैसे ही गैस पूरा हो जाएगा ये अपने आप आइस को हटा देगा। अब देखो 40 का प्रेशर अभी तक हुआ नहीं है, अब इसको बंद करके देखते हैं कितना प्रेशर हुआ है। देखो 20 का हुआ है, सही है। अगर सिस्टम चोक होगा तो जब आप इसको गेज को बंद करोगे और आपको पता है कि यार इतनी गेज गई है कि 20 का प्रेशर तो हो जाना चाहिए, अगर तो ये कांटा हरे पे आ जाएगा, ग्रीन लाइन पे आ जाएगा, ये कांटा जो है ना ग्रीन लाइन पे आके ठहर जाएगा, यानी आगे बढ़ना चाहिए था पर ये आगे नहीं बढ़ रहा होगा। तो आपको यहाँ से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि सिस्टम हमारा प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, तो मज़ीद गैस डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर चेक करो कि क्यों ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा, क्या वजह हो सकती है। चालीस का प्रेशर हुआ है दीदी, ठीक है, नहीं पूरा ले मेरे को, तो ये छोटी छोटी टिप्स थी, पूरा ले मेरे को, ये छोटी छोटी टिप्स थी जो मैंने आपको बताई। जब कभी आप काम करोगे, आपको नट चेक करने, आपको पानी का ड्रॉप चेक करना है, आपको वॉल चेक करना है, आपको सर्विसेज चेक करनी है, आपको बैंड चेक करना है, आपको ब्लोअर की स्पीड चेक करनी है, आपको गेज का कांटा चेक करना है, जब तक आप प्रॉपर तरीके से काम नहीं करोगे तब तक आप टेक्नीशियन नहीं हो। एक ड्राइवर भी जब गाड़ी में बैठता है ना, ड्राइवर का काम होता है चारों शीशों पर नज़र रखना, सिर्फ फ्रंट नहीं देखता, वो दोनों साइड ग्लासेस भी देख रहा होता है और बैक का शीशा भी देख रहा होता है, तब जाके ड्राइवर बनता है।
तो यही सेम सिचुएशन हमारे साथ है कि जब हम काम कर रहे हैं हमें ये भी चेक करना है, सर्विसेज भी चेक करनी है, बैंड भी चेक करना है, इसकी हर चीज़ ओवरऑल एयर कंडीशन की परफॉर्मेंस में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वो सब चीज़ों का हमको ख्याल रखना है, तब जाके हम कह सकते हैं कि यार वी आर एबल टू डू, हम कुछ कर सकते हैं, हम हैं काबिल, इस मामले में हम तेज़ हैं। लेकिन अगर आपको क्लाइंट की तरफ से कोई भी नेगेटिव ऑप्शन मिलता है कि यार आपने ऐसा नहीं किया, तो उसको झड़कने के बजाय उससे माजरत का दूसरा भी करता हूँ, ये तरीके का होना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं मैंने नहीं किया तो मैं नहीं करूँगा, नहीं, उसकी बात को सुनो, समझो और फिर करो, ठीक है। आउटर को लगे लगे भी काम कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया, हमने उतारा, सर्विस किया, बनाया, फिर लगा दिया, लेट्स वर्क, इस तरीके से काम होता है। अब 50 का प्रेशर बन चुका है 60 के करीब, देखो ठीक है, और आइस भी जा चुकी है, आइस भी जा चुकी है सिस्टम की। तो इस तरह की टेक्निकल वीडियो मज़ीद देखने के लिए मेरी तरफ फोकस करें, इस तरह की टेक्निकल वीडियो मज़ीद देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और ये छोटी छोटी टिप्स से आप काम सीख सकें। अगर कोई चाहता है कि वो काम सीखना चाहता है और हमारी टीम का मेंबर बनना चाहता है तो आप हमारे ट्रेनिंग सेंटर पर आ सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर मेरा वीडियो में मौजूद है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे और आप सीखने के लिए आ सकते हैं। एड्रेस वगैरह सब मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप वहाँ से भी मेरे पास पहुँच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह धन्यवाद।